नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शशकर, काम करता हूं एक वीडियो टेक्निकल चार्ज पे। जैसा आप जानते हैं, Realme ने आज लॉन्च किया अपने दो नई बेहतरीन फोन, Realme के Narzo 10A और Realme का Narzo 10। ये फोन एक्चुअली मार्च में 26 तारीख को लॉन्च होने वाले थे, फिर शिफ्ट हुआ कि भाई हम 21 अप्रैल को लॉन्च कर देंगे, और अब लॉकडाउन के बढ़ते बढ़ते इन्होंने आज फाइनली ये दोनों फोन लॉन्च कर दिए हैं। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं आपको दोनों ही फोन की, और क्यों आप इनमें से एक फोन से दूर रहें, दूसरे फोन को परचेस कर सकते हैं, पर फिर भी और बेहतरीन ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme के Narzo 10 की। Realme Narzo 10 में आपको 6.5 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बैक साइड में चार कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। सामने के साइड में सेल्फी कैमरा देगा 16 मेगापिक्सल का, जो कि आता है आपका ड्यूल नॉच में, या फिर आप कह सकते हैं टेन ऑन नॉच में। हाँ, थोड़ी सी पंचोल टेक्नोलॉजी की उम्मीद थी, पर इस टाइम में वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है किसी कंपनी तरफ से, हम उम्मीद लगाते हैं कि उसकी रेजोल्यूशन बड़ी दमदार होगी और ऐसे प्राइस में मिलेगी कि उस प्राइस में जो हमें कोई और भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर इस टाइम ऐसा फिलहाल हुआ नहीं। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको HD+ मिल जाता है 720x300 पिक्सल का। हाँ, फुल HD+ मिल सकता था, पर इन्होंने इस बार कंपनी ने वो भी नहीं प्रोवाइड किया। और इसको पावर करता है MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर, और अंदर अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम आपको 4 GB की मिल जाती है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो मिल जाता है 5000 mAh का, और इसमें जो हमको 18W का फास्ट चार्जर दिया गया है वो भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और छोटी मोटी चीज की बात करूं तो हमें इसमें टाइप सी का हमें चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। और इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो प्राइस रेंज मिलता है हमें 12,000 रुपीज के आसपास। हाँ, GST अब इंडिया में थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा सा अब मटेरियलिस्टिक थोड़े से प्राइस में बढ़ने के हर सेल फोन के। अगर ये पहले लॉन्च होते जैसे तो ऑलमोस्ट हो सकता था 11,000 के आसपास या 10,500 के आसपास होता, पर अब फिलहाल GST लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास का है। प्राइस में थोड़ा सा महंगा लगा, उम्मीद कर रहा था कि ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का होगा, तो काफी ब्रेकआउट मिलता है Realme कंपनी को, पर फिलहाल में लगता है कंपनी थोड़ी स्टेबल हो गई है, प्राइस भी उसी हिसाब से लेकर आ रही है। तो अब ये बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कोल्ड वेयर कैमरा सेटअप में, थोड़ा सा नया फोन गेमिंग के लिए बनाया गया है, तो आप जरूर जा सकते हैं Realme के Narzo 10 के लिए। अब मैं बात करता हूं Realme Narzo 10A की। Realme Narzo 10A में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है आपको MediaTek का G70 प्रोसेसर। इसमें आपको जो स्क्रीन साइज मिलता है वो 6.52 इंच का, और अगेन हमें इसमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो होता है 720x1600 मेगापिक्सल का। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम है Realme Narzo 10 की तरह, 5000 mAh की तरह, और इसमें बैक साइड में कैमरा आपको सिर्फ 3 देखने को मिलते हैं, जो होते हैं 12 मेगापिक्सल के प्लस 2 मेगापिक्सल के और 2 मेगापिक्सल के। फ्रंट में सेल्फी कैमरा अगेन आपको टेन डाउन नॉच में मिल जाता है, जो होता है अगेन 5 मेगापिक्सल का। और छोटा मोटे चीजें देखने को मिल जाती है, इसमें हमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता, इसमें हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी देखने के लिए, जो कि पुराना है, ठीक है, उस तरह से प्राइस में इनका रखा गया है। और ये वेरियंट में जो आता है वो अगेन आता है 3 GB इंटरनल रैम में और 32 GB इंटरनल स्टोरेज में, और जो सरप्राइज रखा गया वो 8,500 के आसपास रखा गया। अगेन मुझे ऐसा लगा कि Realme C3 का ही थोड़ा सा रीपैकेज कर दिया गया है और थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा के अगेन GST का इफेक्ट तो आ जाएगा, उसी के साथ लॉन्च कर दिया गया है, तो ठीक है, थोड़ा सा प्राइसिंग Realme Narzo 10A से इतनी अच्छी ज्यादा जो उम्मीद थी कि अराउंड 7,000 के आसपास आगे 7,500 के आसपास का आएगा, उसी देखने को नहीं मिली। और Realme Narzo 10A मेरे हिसाब से तो आप स्पॉन्सर पूरी आए। हाँ, Realme Narzo 10 इसके स्पेसिफिकेशन का काफी अच्छा लगता है, प्राइस रेंज भी ठीक है, चलो कॉम्पिटेटिव है, GST बढ़ गया ऑलमोस्ट सर प्राइस रेंज पे ज्यादा होगा, पर अगर मैं बात करूँ अब इस टाइम पे Redmi के Note 9 की या Redmi Note 8 Pro की, तो वो फोन ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं बजाय इसके। तो बस यही था, आप सोच समझ के फोन बाय करें, फिर भी अगर कोई शंका है या कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूं मनीष और मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में।